आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने फिल्मी अंदाज में हत्या कर साजिश रची है। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने फिल्मी अंदाज में ये साजिश रची है, एक मर्डर को छुपाने के लिए रची खुद की मौत की साजिश। प्रेमिका के आशिक की हत्या कर शव नाले में फेंका, खुद की मौत साबित करने के लिए दोस्त की हत्या की, अपनी गाड़ी में दोस्त को जिंदा जलाया। आरोपी तेज सिंह दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन में विकासपुरी थाने में था तैनात। आरोपी और उसकी प्रेमिका को बहादुरगढ़ सीआईए 1 ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की प्रेमिका ने पुलिस की गिरफ्त में आते ही जहर निकल लिया। आरोपी उषा की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बहादुरगढ़ से ये खबर है। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने फिल्मी अंदाज में हत्या कर साजिश रची है, एक मर्डर को छुपाने के लिए खुद की मौत की साजिश रच दी एएसआई ने। अपनी गाड़ी में अपने दोस्त को जिंदा जलाया, ये साजिश के तहत इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। करीब 33 वर्षीय की डेड बॉडी 6 तारीख को यहाँ पाई गई थी बहादुरगढ़ में परनाला गांव के पास में। इसकी तफ्तीश के संबंध में एक तेज सिंह नाम के आदमी का, जो दिल्ली पुलिस में एएसआई है, उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। और इसमें तेज सिंह का ने इसके दौरान एक दूसरी घटना को भी अंजाम दिया है, जिसमें अपनी पहचान छुपाने के लिए इसमें एक और आदमी जो कि सोनीपत के सोटी गाँव का रहने वाला था, उसको शराब पिला के अपनी गाड़ी में जला के मारने के बारे में साक्ष्य आए, ताकि अपनी खुद की पहचान छुपा सके और जो गाड़ी में जो साक्ष्य थे उनको मिटा सके। तो ये सारी घटनाक्रम हुआ क्यों परमवीर की हत्या और क्यों उसकी? परमवीर की हत्या के पीछे क्योंकि परमवीर का संबंध एक उषा नाम की महिला से था, और उषा का संबंध आगे तेज सिंह नाम के इस आरोपी के साथ भी था। तो परमवीर और उषा के बीच में कुछ ऐसे मसले थे, जिसमें उसका कहना था कि उषा के द्वारा कि परमवीर ने उसके कुछ वीडियो बना रखे थे, उसके लिए परमवीर उसको उससे रास्ते से हटाना था। तो उषा ने तेज सिंह को इस मामले में शामिल करके उसको हत्या के लिए प्रेरित किया और कहा कि इसको मार दे, इसको रास्ते से हटाने। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में यह हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। और इस बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कैबिनेट में कुल 12 एजेंडे रखे गए हैं, इनमें से 11 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनाने को मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि 1687 करोड़ के डीपीआर का यह कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए और जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडा ऐसे थे। 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुँचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियाँ होती हैं उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। एसजीपीसी
जो एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी चूँकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए, उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है, इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का अलग काम शुरू हो चुका है गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही, उसको भी आज फाइनल किया गया है। रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं, उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से वो आया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है देश भर में, तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था, हमने एक कदम आगे बढ़ करके वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कई जगह हो गए हैं, एक जगह तो उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, जहाँ कई IMTs बने हुए हैं पहले उसमें एक 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और चलिए अब रुक कर रहे हैं एक बड़ी खबर की ओर। करनाल पहुंच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भूपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी है, कहा यह पार्टी का इंटरनल चुनाव था, चुनाव के दौरान मैंने कहा था ये एक फ्रेंडली मैच की तरह है, मैच ओवर हो चुका है और अब सब फ्रेंड्स हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया है। आज अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जो नतीजे थे वो भी आ गए हैं और ऐसे में जिस तरह से जो अब नए अध्यक्ष खड़गे को चुना गया है उस पर ये तमाम बातें हुए बताते हुए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले तो बधाई दी और उन्होंने कहा यह पार्टी का इंटरनल चुनाव था, चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि ये एक फ्रेंडली मैच था, मैच अब ओवर हो चुका है और अब सब फ्रेंड्स हैं। पार्टी का इंटरनल चुनाव था और जब चुनाव हो रहा था उस समय मैंने कहा था फ्रेंडली मैच है, मैच ओवर हो गया फिर फ्रेंडली बने। पार्टी का इंटरनल चुनाव था और जब चुनाव हो रहा था उस समय मैंने कहा था फ्रेंडली मैच है, मैच ओवर हो गया फिर फ्रेंडली बने। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने नए अध्यक्ष चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी है। बधाई देते हुए सीएम ने खड़गे को नसीहत भी दे डाली है। देखिए अच्छी बात है कि गांधी परिवार से बाहर से बना है, लेकिन इतना ही है कि पूरे कार्यकाल में या तो एक बार उस समय पहले बने थे, एक बार अब बने हैं, लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहे और वंशवाद का सिलसिला कैसे ख़त्म हो, आज डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता है। इनको मैं मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूँ कि भाई वो देश की एक बड़ी
पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान हो, केवल पपेट बन के ना चलें, यही मेरी सलाह है। तो पपेट बनकर ना चले, ये नसीहत भी मुख्यमंत्री ने दे दी। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नए आयाम को स्थापित करेगी। अब रुख करेंगे गुहला त्रिका से आ रही बड़ी खबर का, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम का एक्शन, कुरुक्षेत्र कैथल विजिलेंस टीम को गुहला त्रिका में सफलता मिली है। बिजली विभाग के एसडीओ जेई समेत एक शख्स को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं तीनों। लाइन शिफ्ट करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। देखिए, लाइन शिफ्ट करने की एवज में रिश्वत की मांग इनकी तरफ से की जा रही थी, जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। विजिलेंस की टीम ने ये बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रही, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ तीन लोग पकड़े गए हैं। लाइन शिफ्ट करने की एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे। पहले लाइन शिफ्ट करने की शिकायत ली और उसके बाद भरोसा दिया लाइन शिफ्ट करने का, और साथ ही रिश्वत की मांग यहां पर की गई और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन तीनों को पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। लाइन शिफ्ट करने की एवज में रिश्वत की मांग करने पर विजिलेंस टीम की यह कार्रवाई सामने आई है। टीम ने कैथल विजिलेंस टीम को गुहला त्रिका में यह बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बिजली विभाग के एसडीओ जेई समेत एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। देखिए, एसडीओ और जेई को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। दोनों यहां पर इस रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्त हैं। एसडीओ से लेकर जेई तक और साथ में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है, उसके बारे में भी जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। तीन लोग, 2 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी, जिनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। एक्शन लिया जाएगा अब इन पर। अब रुक करेंगे सिरसा से बड़ी खबर का, जहां दो गुटों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। दो गुटों के बीच झड़प का एक वीडियो, झड़प के दौरान फायरिंग का वीडियो सामने आया है। फायरिंग में घायल हुए शख्स ने दम तोड़ दिया। शनिवार रात नागरिक अस्पताल के बाहर यह घटना हुई थी। 7 नामजद लोगों के साथ 6 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी जो हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। बड़ी जानकारी स्वच्छ दे रहे हैं और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। दो गुटों के बीच का ये मामला है। झड़प के दौरान फायरिंग की गई है। फायरिंग का ये वीडियो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज में दो गुट हैं, दोनों के बीच पहले झड़प होती है और उसके बाद मारपीट तक ये बात पहुंच जाती है और सीधे फायरिंग कर दी जाती है। आज सुबह उसके मृत्यु हो चुकी है। वहाँ हिसारसपुर हॉस्पिटल से रुक का आ गया था, तो हमारे आईयू वहाँ गए हैं आगामी कार्रवाई के लिए। इसमें करीब 7 लोगों के भाई ने मुकदमा दर्ज और 5-6 अन्य, तो अभी तक अरेस्ट हुए नहीं। हमारी टीम में बाहर गई हुए हैं और घरों पर इनके सबके ताला लगे हुए, कोई मिला नहीं करके। इनका पहले यहाँ चंदन बेकरी के पास झगड़ा हुआ था, फिर दोनों पक्ष वहाँ हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ दोनों पक्षों ने अपने अपने बंदे बुला लिए थे, डर में बुलाया झगड़े के, वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ किसी एक पक्ष ने उनके कापे मार दिए थे, तो दूसरे ने आगे फायरिंग कर दी, वो एक लड़के की मृत्यु हो गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका सफाई कर्मचारी, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड कर्मचारी काफी खफा है। रतिया, फतेहाबाद, गोहाना और बहादुरगढ़, फरीदाबाद और झज्जर में कर्मचारियों ने 2 दिन के धरने की बात कही है। दरअसल सरकार से पहले हुए समझौतों को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को बंद करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने के साथ ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए के मुआवजे देने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो अपनी ये कुछ मांगे लेकर गोहाना, फतेहाबाद, रतिया, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और झज्जर में ये जो कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर बैठ गए हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने से लेकर मुआवजे तक की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है और अपनी इन विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर मांगों को जल्दी नहीं सुना जाता, नहीं पूरा किया जाता तो इसी तरह से ये अपने धरने को आगे भी बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी इनकी सुनवाई होती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अनिश्चितकालीन 2 दिन की हड़ताल, माफ कीजिएगा, 2 दिन की हड़ताल पर ये जो कर्मचारी हैं वो चले गए हैं। कच्चे कर्मचारी पक्का करा जाए और जो 18 में जो समझौता किया था सरकार ने कि उसको भाई समान काम समान वेतन देंगे वो हमारा लागू करा जाए और कच्चे कर्मचारी को पॉलिसी बना के पक्का किया जाए। और ये करुणा योद्धा तो सरकार ने हमें बना दिया, वो 1 माह की तनख्वाह दे जाए और मृत्यु कर्मचारी को करुणा के उसमें जो 50 लाख रुपए का जो बीमा देने का वादा किया था सरकार ने वो दे। जो आज का हमारा 2 दिवसीय जो हड़ताल रखी गई है ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसमें कि फायर विभाग के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी उसके कर्मचारी शामिल हैं। क्या क्या मांगे की थी? हमारी मुख्य मांगे यही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार को बंद किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। मांगों को लेकर ये हड़ताल जो है इन्होंने शुरू कर दी है। यमुनानगर जिले के कपाल मोशन में लगने वाला सबसे ऐतिहासिक मेला 4 नवंबर से शुरू होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। वहीं डीसी राहुल हुडा पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ कपाल मोशन के तीनों सरोवरों में जलभराव की शुरुआत की। डीसी के साथ बिलासपुर के एसडीएम जसपाल गिल भी मौजूद रहे। करीब 15 मिनट की पूजा अर्चना के बाद सरोवरों में पानी छोड़ा गया। डीसी राहुल हुडा ने कहा कि इस बार मेले में किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं आएगी। एक्चुअली जी, अब आज से जो है मेले में जो है जल भराव, जो हमारा कुंड है उसमें जो है जल भराव का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है, तो इसलिए हमने पूजा की है ताकि इस बार का जो कपाल मोचन मेला है वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के बहुत ही ग्रैंड तरीके से जो है संपन्न हो सके। इस बार मेले को खास बनाने के लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं? इस बार जी हमने बहुत पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि लास्ट मिनट में तैयारियों के चक्कर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। पूरे मेले के क्षेत्र जो है वो लगभग 126 एकड़ में फैला हुआ है। इसको 4 सेक्टर जो हमें डिवाइड कर दिया गया है। हर सेक्टर में व्यापक हर किस्म की जो है सुविधा दी जाएगी। पुलिस की सुरक्षा भी होगी, फायर ब्रिगेड भी होगा, एम्बुलेंस भी होगा। इधर हरियाणा के यमुनानगर में सदर थाना फाटक के जंगल में खून से लथपथ एक शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच करवाई गई है, जिसके बाद शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के इफको चौक के पास सूटकेस में मिले महिला के शव की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उसके पति सुनील ने ही इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मंगलवार देर रात उसे गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक महिला का नाम प्रियंका है। वहीं हत्यारोपित सुनील मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है। वो गुरुग्राम के सिरहौल में किराए के मकान पर पत्नी प्रियंका और 4 साल के बच्चे के साथ रह रहा था। ये काम कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी गुड़गांव पुलिस, हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 की टीम ने काम करते हुए अपने सोर्सेज को लगा के, अपनी मेहनत करके 24 घंटे के अंदर ये पता लगाने में कामयाबी हासिल की कि ये कहाँ की और कौन है और इसको मारने वाला कौन व्यक्ति है।
ये सब पुलिस के नेटवर्क में काम करते हुए उनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है और उनके बेहतरीन काम का नतीजा है। बात झज्जर की करेंगे, जहां के गांव सासरौली में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि गांव सासरौली में पवन नामक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। कंट्रोल रूम से सूचना मिली सासरौली में एक ने हैंगिंग की है फांसी, उसी तला पे पहुंचे और घरवाली के दरखास्त पे कार्रवाई की है। बयान अंकित किया है, क्या नाम है? मानसिक परेशानी पवन कुमार चन्नो राम किशन गाँव सासरौली। और इधर कैथल में गोहला ट्रीका के गांव दाबड़खेड़ी में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने जेसीबी के ऊपर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से आगे की कार्रवाई पूरी की। लोगों के नाजायज कब्जे पंचायतों में जमीन पर उनको खाली करवाने का कार्य। तो सर कितनी कार्रवाई की है और कितनी और करनी है अभी? आज इस गांव में दो नाजायज कब्जों के आदेश हुए थे खाली करवाने के, बेदखली के, दोनों नाजायज कब्जों को एक खाली करवा दिया। तो शासन ने फोर्स मांगी थी, हमने फोर्स प्रोवाइड कर दी। कोई भी लाइन ऑर्डर की समस्या आएगी तो हमारी फोर्स पूरी तरह से तैयार है, लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं आएगी। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट का आदेश होगा हमने। सर क्या मामला था ये, क्या अभी तो मैं तो इसके एनडीपीएस के केस बता सकता हूँ, जो इस पे सेवा सिंह है, इस पे 4-5 एनडीपीएस के केस है, सजा भी है। और इसके अलावा तो क्या नाम है, जिला प्रशासन वीडियो जी बता। अब देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों का गुस्सा उस समय अचानक फूट पड़ा जब पुलिस ने एक व्यापारी के साथ मारपीट करके उसके मोबाइल फोन और चैन को झपटने वाले आरोपियों के ऊपर मुकदमे में अंकित की गई स्नैचिंग की धारा को दो दिन के अंदर ही हटा दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने दिल्ली अलवर रोड पर अंबेडकर चौक पर धरना दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जाम लगाने वाले लोगों का कहना था कि पुलिस ने गाड़ी को साइड ना देने के पीछे हुए झगड़े में आरोपियों ने मारपीट करने के बाद घायल की चेन और मोबाइल फोन छीन लिया था। पहले रोड से जा रहा था, ओवरटेक के ऊपर 5-7 लड़के आए, इन्होंने हॉर्न बजाया। जब साइड की इसको जगह नहीं थी तो इसने जहाँ साइड मिली वहाँ जगह दी, उस बात से नाराज हो गए, इसके आगे गाड़ी लगाई और गाड़ी लगा के इनके साथ मारपीट करी उन लड़कों ने, और वो मुकदमा भी दर्ज हुआ प्रशासन ने किया। लेकिन अभी जो पता लगा इन लोगों को, ये पता लगा भाई प्रशासन ने उन लड़कों को उनकी धाराएं कम करके ना उनको एक किस्म से क्लीन चिट देने की काम प्रशासन कर रहा है। पुलिस इसलिए लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। और फिलहाल आपका जिला आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।